अस्सलाम वालेकुम नाजरी, मैं मोहम्मद जाफर आपका टीवी 31 न्यूज चैनल में खैर मकदम करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। सेफ कर ले रहा हूँ उधर का, तुम लोग क्यों सपोर्ट कर रहे हो उसको मेरे समझ में नहीं आई बात। सीओ साहब समझे आप, ये जगह अपनी है, ये भी जगह अपनी है, तो ये सपोर्ट करने का क्या मतलब है? दीवार उठा दे के और सेफ करके दे दे रहे, आपकी वो है ये हमारी ये है, बल्कि ये उठाना ही नहीं दीवार ही है, आइडेंटिटी अलग हो जा रही लैंड वो। अक्रम साहब नहीं आ रही बात तुम्हारी, सही साहब कहीं के लिए उठा रही है? सदर साहब भी मिल रही है क्या उधर वालों से? नहीं नहीं उधर से कुछ नहीं है। अभी फिर क्यों उठा रहे दीवार? ये दीवार साहब पहले से था, ये गिरने के बाद नहीं उठा रहा ना दीवार वो। हाँ गिर गया था, उसके बाद फिर दोबारा तामीर कर दे रहे। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी करने की आपको? ये अपना ईदगाह की सेफ्टी के वास्ते करे था। तो ये क्या सेफ्टी नहीं है? वो भी जगह तो इधर की है ना, वो भी तो गलत बात है ना ऐसा। बहुत पुरानी दीवार थी सर, बहुत पुरानी दीवार, ये इसकी मलवा वगैरह। ये इधर क्या है? इधर मस्जिद है। अपने रोशन-उद-दौला का जो गुम्बज़ा है यहाँ पर, बालापुर ईदगाह है, मस्जिद है, ग्रेवयार्ड से हम लोग इंस्पेक्शन करने निकले पूरा जी। तो यहाँ पर देख के अफसोस हो रहा है क्योंकि वफ लैंड वफ की लैंड रहती है। खैर मस्जिद वाले तो अच्छा काम कर रहे हैं, ईदगाह वगैरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो लोग, सब हर चीज जो है। तो इंशाल्लाह जो है हम लोग वक्फ बोर्ड में बैठ के सीओ और हम लोग ऑफिसर सब मिलके जो है बोर्ड मीटिंग में भी रखेंगे ये चीज रख के जो है ना, वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती, क्यामत तक वक्फ रहती। कोई भी अगर कब्जा कर रहे भी तो जो है ना टेम्पररी खुश हो जाने का रहता कि अपनी जगह है बोल के, क्योंकि ग्रेवयार्ड है, गुम्बज़ा है यहाँ पर, हर चीज है, सब लोग देख रहे, कोर्ट भी देख रहा, हर चीज देख रहे, सब हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड में बैठ के हम लोग जो है ना इसका डिस्कशन करके स्टैंडिंग काउंसिलों को सबको बुला के करके इस पे सीरियस लेंगे और जो है ना वो प्रॉपर्टी हमारी हम बराबर हासिल करके रहेंगे। उसकी बाउंड्री अपने को भी लग रही, ये लैंड जो जो भी इंक्रोच करे लक्ष्मण रेड्डी साहब बोल के है, कहते कौन जो भी है हम इसके ऊपर हम भी कानूनी कार्रवाई करेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। वक्फ प्रॉपर्टी इतना कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे, अभी तक वक्फ बोर्ड को इतला नहीं है, वक्फ बोर्ड को इतला है, कोर्ट में केस चल रहा, सीनियर एडवोकेट को लगाए वहाँ पर, इसके ऊपर प्रकाश रेड्डी को भी हम लोग अपॉइंट करें सीनियर एडवोकेट को, स्टैंडिंग काउंसिल के अलावा भी। वक्फ प्रॉपर्टी को हम छोड़ेंगे नहीं, वक्फ प्रॉपर्टी जो लोग इसको परचेस करें, खरीदी कर रहे हैं उनके लिए कुछ बोलेंगे आप? नहीं, कोई भी खरीद नहीं कर सकते है जी। वक्फ प्रॉपर्टी कोई भी खरीदी करे तो टेम्पररी रहता हो, लॉन्ग टाइम पे कोई भी हासिल नहीं कर सकते प्रॉपर्टी को, क्योंकि कोर्ट में कैसे इसको हम सीरियस, हम भी सीनियर एडवोकेट को रख के जो है ना हम वेकेट कराएंगे केस को। थैंक यू।